हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब? कैसे चल रही तैयारी? अब तो आर या पार नहीं, अब तो हमें पार ही करना है। आर का कोई मतलब नहीं हमारे लिए अब। ओके, अब सिर्फ पार होगा, नीट पार होगा हमारा। ओके, और बायोलॉजी के लिए, एमसीक्यू के लिए मैं तो हूं ही आपके साथ में। ये चैनल ग्रिप ऑन बायोलॉजी आपके साथ है। तो इससे पहले जो वीडियो आ चुकी दो जेनेटिक्स के ऊपर, यह है थर्ड वीडियो जेनेटिक्स के ऊपर। ओके, वैसे तो चैनल के ऊपर 20 के आसपास वीडियोज अपलोड हो चुकी है एमसीक्यूज की। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। कीप मोटिवेटेड, कीप स्टडी। देखिए, भागना बहुत आसान है, लेकिन सिचुएशन को फेस करना बहुत मुश्किल है। लेकिन रिजल्ट हमें मिलेगा सिचुएशन को फेस करके, भागने से नहीं मिलेगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो को विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि रिगार्डिंग टू रोल ऑफ आरएनए इन प्रोटीन सिंथेसिस, फाइंड द ओड वन। ओके, देखिए हमें पता है कि आरएनए प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर रोल प्ले करता है। तो नीचे कुछ टाइप्स ऑफ आरएनए दे रखे हैं, उनके बारे में सही क्या गलत क्या, वो हमको ओड वन फाइंड आउट करके बताना, यानी इनमें से कोई एक गलत होगा या इनमें से अलग होगा। चलिए पहला ऑप्शन स्टडी करते हैं। कह रहा है कि एमआरएनए प्रोवाइड द टेम्पलेट। बिल्कुल सही है, एमआरएनए टेम्पलेट प्रोवाइड करता है, उसी से फर्दर जाके क्या बनता है, प्रोटीन वगैरह बनता है। टीआरएनए क्या करता है, उस एमआरएनए सीक्वेंस के अंदर क्या होता है, बाइंड कर जाता है और अमाइनो एसिड्स को बुलाता, ब्रिंग्स अमाइनो एसिड्स। ये बिल्कुल ठीक है, फर्स्ट भी ठीक, सेकेंड भी ठीक। थर्ड क्या कह रहा है कि आरआरएनए रीड जेनेटिक कोड, ये गलत हो गया, रीड जेनेटिक कोड नहीं आएगा। इसका काम है आरआरएनए की फुल फॉर्म है राइबोसोमल आरएनए, मतलब प्रोटीन सिंथेसिस का काम है इसका, जेनेटिक कोड रीड करने का काम नहीं है। तो आपका थर्ड वाला गलत है अब तक। ओके, फोर्थ क्या कह रहा है कि एसएनआरएनए स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए, और इसका रोल बता रहा है स्प्लिसिंग के अंदर। बिल्कुल सही है, एसएनआरएनए स्प्लिसिंग के अंदर मेजर रोल प्ले करता है। ओके, तो आपसे ओड पूछा, तीन स्टेटमेंट तो आपकी बिल्कुल ठीक है और एक स्टेटमेंट आपकी रॉन्ग। तो ओड यानी सबसे अलग तो वही है, थर्ड वाला। तो थर्ड आपका राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन यूकैरियोट्स एज वेल एज प्रोकैरियोट्स दोज डीएनए सीक्वेंस दैट अपीयर इन मैच्योर एंड प्रोसेस्ड आरएनए आर नोन एज। ओके, कहता है कि या चाहे वो प्रोकैरियोट्स हो चाहे यूकैरियोट्स हो, ऐसी कौन सी सीक्वेंस है जो प्रोसेस्ड आरएनए के अंदर होती है वही डीएनए के अंदर पहुंच जाती है, ऐसी कौन सी सीक्वेंस है? तो वो होते हैं एक्सॉन, आपके एक्सॉन, क्योंकि जो इंट्रॉन्स हैं, यहाँ पे इंट्रॉन एन यहाँ पे होता है, ठीक है, इंट्रॉन्स जो होते हैं और एक्सॉन ये होते हैं आपके एसएनआरएनए के अंदर, ठीक है। तो जब आपका आरएनए प्रोसेस किया जाता है तो आपके उसके अंदर जो इंट्रॉन्स हैं उनको तो बाहर निकाल दिया जाता है, इंट्रॉन्स बाहर फेंक दिए जाते हैं और एक्सॉन सिर्फ रख लिए जाते हैं। ओके, तो आपका जो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए वो सेकंड वाला, ये डीएनए आरएनए दोनों के अंदर प्रेजेंट होगा, यूकैरियोट्स हो चाहे वो प्रोकैरियोट्स हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन ट्रांसक्रिप्शन यूनिट प्रोमोटर एंड टर्मिनेटर आर डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ, आपकी जो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट होती है उसके अंदर आपका प्रोमोटर टर्मिनेटर या और एक जो बीच का जो स्टैंड होता है, ठीक है, तो पूछ रहा है उनकी पोजीशन हम किसके बेसिस पे डिसाइड करते हैं। तो वो डिसाइड होती है कोडिंग स्ट्रैंड के बेसिस पर, कोडिंग स्ट्रैंड के बेसिस पे। ये किसी के लिए कोड नहीं करता है, फिर भी जो सिक्वेंसिंग हम करते हैं कि ये वाला हिस्सा प्रोमोटर होगा, ये वाला हिस्सा टर्मिनेटर होगा, वो किसके हिसाब से करते हैं, हम करते हैं कोडिंग स्टैंड के हिसाब से। ओके, उसके लोकेशन को देखकर हम ये सब कुछ बताते हैं। तो फर्स्ट आपका राइट आंसर इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। ए ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इन डीएनए इज डिफाइंड प्राइमरली बाय थ्री रीजन्स इन डीएनए, दीज रीजन्स आर, जो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है पिछले क्वेश्चन में हमने पढ़ा कि प्रोमोटर टर्मिनेटर उसके अंदर होते हैं और एक पार्ट और होता है बीच वाला, उसको हम कहते हैं स्ट्रक्चरल जीन, जिनकी पोजिशन हम किसको देखकर कोडिंग स्टैंड के रिस्पेक्ट में करते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका सेकंड वाला। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है।
डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज मेडिएटेड सिंथेसिस ऑफ आरएनए ओवर डीएनए कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। ओके बिल्कुल ठीक है, डेफिनेशन दे रखी है। अबाउट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, हमको रॉन्ग स्टेटमेंट बतानी इसके अंदर। चलिए स्टडी करते हैं स्टेटमेंट को। फर्स्ट कह रहे कि इन बैक्टीरिया एमआरएनए डज नॉट रिक्वायर एनी प्रोसेसिंग टू बिकम एक्टिव। बिल्कुल ठीक कह रहा है कि जैसे जो आरएनए है उसके अंदर एक्सॉन इंट्रॉन्स वगैरह होते हैं, लेकिन प्रोकैरियोट्स के अंदर ऐसा नहीं होता है, इंट्रॉन्स वगैरह नहीं होते। जो प्रोकैरियोट्स यानी बैक्टीरिया जो वगैरह होते हैं आपके, सिर्फ यूकैरियोट्स के अंदर क्या होते हैं, इंट्रॉन्स एक्सॉन होते हैं, जो कि प्रोसेस के बाद सिर्फ एक्सॉन बचते हैं, इंट्रॉन्स बाहर हो जाते हैं। हम पीछे क्वेश्चन में कर चुके हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल ठीक है। सेकंड क्या कह रहा है कि इन यूकैरियोट्स देयर इज ए क्लियर कट डिवीजन ऑफ लेबर इन आरएनए पॉलीमरेज। बिल्कुल ठीक कह रहा है कि यूकैरियोट्स के अंदर जितने टाइप को जो आरएनए पॉलीमरेज है उनके जो फंक्शन डिफाइंड है। बिल्कुल ठीक कह रहा है। थर्ड क्या कह रहा है कि अबसेंस ऑफ इंट्रॉन्स, अबसेंस ऑफ इंट्रॉन्स इन आरएनए ऑफ यूकैरियोट्स। तो ये स्टेटमेंट तो देखते गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? क्योंकि यूकैरियोट्स के अंदर तो इंट्रॉन्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे लिखा है अबसेंट, तो ये ऑप्शन तो आपका होगा नहीं। तो थर्ड वाला आपका रॉन्ग हो जाएगा, और रॉन्ग ही हमसे पूछा है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा थर्ड वाला। फोर्थ क्या कह रहा है कि आरएनए पॉलीमरेज थ्री इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ एसएनआरएनए। बिल्कुल ठीक कह रहा है कि फोर्थ, बिल्कुल ठीक आपका। तो थर्ड आपका राइट आंसर हो इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द लेंथ एंड कंस्टिट्यूएंट बेस ऑफ ए टेल इन फंक्शनल एमआरएनए। लेंथ कितनी होगी, कंस्टिट्यूएंट बेस टेल क्या होगी, पॉली ए, और लेंथ कितनी, 200 to 300 न्यूक्लियोटाइड्स। ओके फंक्शनल एमआरएनए के अंदर। तो फोर्थ आपका राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसक्रिप्शन फाउंड इन आरएनए पॉलीमरेज। देखिए आरएनए पॉलीमरेज की जो मुख्य जो भूमिका वो क्या है, उसका जो मेन जो पर्पज है, एक्सक्लूसिव जो प्रॉपर्टी है वो है इलोंगेशन करने की। ठीक है, इलोंगेशन करना उसकी एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी। तो सेकंड आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए एम आर एन ए ऑल्सो हैज सम एडिशनल सिक्वेंसिस दैट आर नॉट ट्रांसलेटेड कॉल्ड यूटीआर। बिल्कुल ठीक है कि जो एम आर एन ए है उसके अंदर एक ऐसी सिक्वेंस भी आती है जो कि ट्रांसलेटेड नहीं की जाती, उसको हम क्या कहते हैं, अनट्रांसलेटेड रीजन कहते हैं, यूटीआर कहते हैं। तो इसका फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन है कि हेल्प्स इन एफिशियंट ट्रांसलेशन, ये ट्रांसलेशन को अच्छी एफिशियंसी से होने में हेल्प करते हैं। वैसे इनका कोई फंक्शन, यही मेन फंक्शन है इनका। तो थर्ड आपका राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर आर एन ए शो स्ट्रक्चरल एज वेल एज फंक्शनल रोल इन बैक्टीरिया। ऐसा कौन सा आर आर एन ए है जो कि बैक्टीरिया के अंदर स्ट्रक्चर और फंक्शन दोनों रोल प्ले करता है, तो वो है 23SRRNA, ये दोनों रोल प्ले करता है, स्ट्रक्चरल भी और फंक्शनल भी। तो सेकंड आपका राइट आंसर इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एडेप्टर मॉलिक्यूल दैट वुड ऑन वन हैंड रीड द कोड एंड ऑन द अदर हैंड वुड बाइंड टू स्पेसिफिक अमाइनो एसिड इज। देखिए ये दोनों फंक्शन टीआरएनए परफॉर्म करता है, एक तरफ तो जो अमाइनो एसिड से बाइंडिंग करता है, एक तरफ वो क्या करेगा, जो एमआरएनए के ऊपर जो कोडिंग है उनको वो रीड करता है। तो ये दोनों काम टीआरएनए परफॉर्म करता है। तो इसको